दोस्तों, दुनिया में कई अलग-अलग जगह है जिनका रहस्य आज भी सुलझ न सका। अगर आज की वीडियो में मैं आपको ऐसी कुछ अमेजिंग जगह दिखाऊंगा तो आप खुद भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि ऐसी भी जगह हमारी धरती पर मौजूद हो सकती है। लेकिन ऐसी जगहों में कोई ना कोई खास बात जरूर होती है जिसकी वजह से वो जगह जानी जाती है। दुनिया में कई ऐसी जगह है जहाँ कोई नहीं जाता, या वो बहुत अजीब होती है, लेकिन उनका अजीब होना ही उन्हें अलग बनाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अजीब जगह दिखाएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी, जिन्हें देखकर आप सोच और शौक में पड़वर। नदी के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में झरना, बहता पानी, ये सब आता है। लेकिन शायद ही आपने कहीं रेनबो रिवर का नाम सुना होगा। कोलंबिया में स्थित यह नदी अलग अलग कलर की दिखाई देती है। हालांकि इसका पानी भी बाकी नदियों के पानी के तरह ही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इस पानी में फंगस और अलगी होने की वजह से नदी ऐसी दिखाई देती है। लेकिन ऐसा नहीं है, इस नदी की गहराई में कुछ ऐसे पौधे उगते हैं जो अलग अलग वातावरण में अपने रंग बदलने लगते हैं, कभी लाल, कभी हरा, तो कभी कुछ और जिसकी वजह से ऊपर से पानी भी हमें उसी कलर का दिखाई देता है। इस नदी के इस कमाल के अजीब और कलरफुल होने की वजह से इसका नाम पूरी दुनिया में फेमस है, माउंटेन पिलर्स। पहाड़ बहुत विशाल और सुंदर होते हैं। आप सबने कई जगहों पर पहाड़ तो देखे होंगे, लेकिन चाइना के नेशनल पार्क में मौजूद इन अजीब पहाड़ों के बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। ये पहाड़ दिखने में अजीब इसलिए है क्योंकि अक्सर पहाड़ लंबे चौड़े होते हैं, लेकिन ये पहाड़ लंबे तो है लेकिन उतने चौड़े नहीं है, और इनकी लंबाई दूसरे पहाड़ के मुकाबले बहुत ज्यादा है। इन्हीं पहाड़ों को देखकर सुपरहिट मूवी अवतार में फ्लोटिंग माउंटेन बनाने का आइडिया आया था। इन पहाड़ों के बीच सफर करने के लिए केबल लाइंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी केबल लाइंस भी मानी जाती है। कई लोग इन पहाड़ों को देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इन केबल लाइंस से सफर करने की हिम्मत जुटा पाते हैं। स्टैंडिंग रॉक्स। ये बड़े सफेद पत्थर जो अभी आप देख रहे हैं, ये रशिया के 7 वंडर्स में से एक है। वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये 30 करोड़ साल पुराने पत्थर है और ये 7 स्ट्रॉन्गमैन के नाम से भी जाने जाते हैं। वहाँ के लोग इनको बहुत मानते हैं और उनका कहना है कि ये उनके भगवान की एक निशानी है जिसे उन्होंने खुद बनाया है। इनकी हाइट 98 फीट से 138 फीट तक है। रॉक क्लाइंबर्स ने इसे एक्सप्लोर करने के लिए कई बार इस पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन आज तक सफल नहीं हुए। हालांकि वो इससे बड़ी चोटियां और पहाड़ पर पहले चढ़ चुके हैं, लेकिन इन रॉक्स पर चढ़ना उनके लिए नामुमकिन सा साबित हुआ है। रेनबो माउंटेन्स। चाइना के नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में स्थित ये पहाड़ बहुत ही अजीब है क्योंकि ये बहुत ही अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। इन पहाड़ के रॉक्स का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ है कि जब इन पर सूरज की किरणें पड़ती है तो ये अलग अलग कलर के दिखाई देते हैं। अक्सर बारिश के मौसम के बाद इन पहाड़ों पर घास उगती है, तब ये उनको एक बहुत ही अलग और कलरफुल लुक दे देती है। 2009 में इस जगह का नाम यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स लिस्ट में भी आया है और इस जगह को कई बार दुनिया की सबसे सुंदर जगहों में भी माना जाता है। ग्रेट माउंटेन वॉल। कई सारी अजीब चीजों के बारे में हमने आपको बताया, लेकिन अब आप जो देखने वाले हैं, जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इंसान पृथ्वी पर कई हजार सालों से रहता आ रहा है और इन सालों में इंसान काफी इवॉल्व भी हुआ है। ये जगह जो आप अभी देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ इंसानों के जीवन की शुरुआत हुई थी। 2012 में इस जगह का नाम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी आया था। ये जगह लंबाई में 25 मील तक फैली हुई है। इसको देखकर शायद आपको मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के सीन जैसी फील भी आ रही होगी। ये एक काफी मशहूर जगह है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत भी मानी जाती है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ कई सारे पुराने टूल्स भी मिले हैं जो पूरी हिस्ट्री में अभी तक के सबसे पुराने टूल्स माने जाते हैं। इस जगह के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इस जगह पर हर किसी ने एक बार जरूर जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं यही से इंसानी जीवन की शुरुआत हुई थी। आइस केव्स। आइसलैंड की ये केव्स दुनिया भर में इनकी खूबसूरती के लिए जानी जाती है। इन केव्स में पूरे साल बर्फ जमी हुई होती है। बर्फ की वजह से ये जगह एक बड़े पहाड़ की तरह से दिखती है और इस बर्फ पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है और बर्फ पर अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। इन केव्स में बर्फ भी कई कलर की होती है, जैसे ब्लू, ग्रे, व्हाइट और ब्लैक भी। ये केव्स दुनिया की सबसे बड़ी ठंडी और बड़ी केव्स में से एक मानी जाती है।
मैजिकल वाइटमो केव्स। इन केव्स को देखकर आपको ये किसी मूवी का सीन लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये न्यूजीलैंड के वाइटमो केव्स है जो बहुत अजीब और अलग दिखाई देते हैं। लेकिन इनके चमकने के पीछे क्या राज है वह हम आपको अभी बताएंगे। असल में ये ग्लो वर्म्स है जो केव्स के ऊपर के हिस्से में रहते हैं, और जब वो पूरी तरह से बड़े हो जाते हैं तो चमकने लगते है। ये ग्लो वर्म्स न्यूजीलैंड में कई केव्स में पाए जाते हैं। इनको देखकर आपको हॉलीवुड मूवी अवतार का ख्याल जरूर आया होगा। मिस्टीरियस एंटीलोप कैनियंस। अमेरिका में स्थित ये एंटीलोप कैनियंस काफी पुराने हैं। इनका नाम एंटीलोप कैनियन इसलिए पड़ा क्योंकि कई साल पहले इन पहाड़ों में एंटीलोप्स घुमा करते थे। एंटीलोप्स हिरण की तरह से दिखने वाला एक जानवर है जो बहुत सुंदर और रेयर होते हैं। ये पहाड़ 600 फीट तक लंबे और 120 फीट गहरे है। इन पहाड़ों पर आप जो टेक्सचर देख रहे हैं वो हवाओं के गुजरने से इन्हें मिला है, और हर साल इनका टेक्सचर वहां की हवा और पानी के हिसाब से बदलता रहता है। फिंगल केव्स। स्कॉटलैंड के आइलैंड के पास स्थित इन केव्स के बारे में शायद ही आपने सुना होगा। ये केव 100 साल पुरानी है और आज ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। ये परफेक्ट डिजाइन केव्स बहुत ही जबरदस्त कारीगरी और इंजीनियरिंग को दर्शाते हैं। लेकिन ये डिजाइन किसी इंसान ने बनाई हुई नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से नेचुरली फॉर्म्ड केव्स है, और इनका शेप वोल्केनो के इरप्शन की वजह से ऐसा हुआ है। सुनने में भले ही ये बहुत अजीब लग रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इन केव्स की एक और खास बात ये भी है कि जब में से हवा गुजरती है तो बहुत सुरीली आवाज सुनाई देती है। इंसान आज कई सारी चीजें बना रहा है और डिजाइन कर रहा है, लेकिन नेचर बिना किसी की मदद से कई सालों पहले अपना कारनामा दिखा चुका है, जो कि सच में बहुत लाजवाब है। अंडर वाटर वाटरफॉल। वाटरफॉल्स हमेशा ही देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। नायगारा फॉल्स और एंजल फॉल्स दुनिया के मशहूर वाटरफॉल्स में से एक है, लेकिन अभी आप जो वाटरफॉल देखने वाले हैं वो इनमें से बहुत ही अलग और अजीब सा वाटरफॉल है। मॉरिटियस के आइलैंड के पास समंदर के अंदर ये वाटरफॉल है जो अभी आप देख रहे हैं। एक वाटरफॉल वो भी पानी के अंदर, ऐसा नजारा शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। ये देखने में बहुत ही सुंदर और अद्भुत लगता है, लेकिन असल में ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है मेरे दोस्त, जिसे नजरों का धोखा भी कह सकते हैं। पानी के तह में बहने वाली सफेद रेत की वजह से ये दिखने में एक वाटरफॉल जैसा दिखता है, लेकिन ये सिर्फ एक इल्यूजन है जो इसे इतना अजीब और सुंदर भी बना देता है। मार्बल केव्स। अब जो केव्स आप देखने वाले हैं ऐसे शायद आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ये मार्बल केव्स के नाम से मशहूर है। दिखने में बहुत ही सुंदर तो है ही, साथ ही पानी में होने की वजह से इनमें अलग अलग कलर के शेड्स भी देखने को मिलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है। इसकी अजीब बात यह है कि ये पूरी तरह से नेचुरली डिजाइंड है। इनको ये डिजाइन और टेक्सचर इनके अंदर से गुजरती हुई हवाओं और पानी ने दिया है। इन केव्स की एक और खासियत ये भी है कि इनके अंदर का पानी बाहर के पानी के मुकाबले काफी ठंडा होता है। सोचने की बात है कि मार्बल, जो कि बहुत ही मजबूत पत्थरों में से एक माना जाता है, लेकिन उसे काट कर इन केव्स को नेचर ने खुद ही कई हजारों साल पहले डिजाइन किया है। ब्राइन पूल। पूल्स और नदियों की काफी बात हो गई, लेकिन अभी हम आपको जिस पूल के बारे में बताएंगे उसके बारे में जानकर आप शॉक हो जाएंगे। बहुत कम लोगों ने ब्राइन पूल का नाम सुना होगा। ये कोई नदी या पूल नहीं है, बल्कि ये समंदर में बहुत नीचे होता है। समंदर में काफी नीचे ब्राइन पूल का हिस्सा मौजूद होता है, जहाँ पानी बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है। अगर इस पूल में कोई भी आता है तो उसकी जान जाना तय समझ लीजिए। यहाँ तक कि इस पूल में इंसान तो दूर मछलियां या शार्क भी नहीं घूमती। का पानी इतना टॉक्सिक होने की वजह तो किसी को नहीं पता, लेकिन इसकी एक और भी अलग बात यह है कि यह पानी समंदर के दूसरे पानी के साथ मिक्स नहीं होता, इसलिए समंदर का बाकी हिस्सा सेफ हो जाता है। रिवर अंडर ओशियन। जैसे कि हमने आपको अलग अलग नदी और पूल्स के बारे में बताया कि किस तरह से वो दूसरे पूल्स और नदियों से अलग है, इसी तरह डीप ओशियन के अंदर एक नदी है जो समंदर से अलग और उसके हिसाब से बहती है। सुनने में ये अजीब सा और अविश्वसनीय हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। समंदर की तह में एक होल है जिसे बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर किया है, जिसमें दूसरी तरफ और गहराई में एक नदी है जो समंदर के अंदर बहती है। सच में एक नदी, वो भी समंदर के अंदर।
ये तो काफी कमाल की बात है। आज भी कई लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जब इसका जवाब मिल जाएगा तो लोग इस पर यकीन कर लेंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको इन सारी जगहों में से कौन सी जगह सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और अद्भुत लगी, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको और एक ऐसी ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, आपके लिए हमने एक नया चैनल बनाया है, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको और भी अच्छी वीडियोस मिलने वाली है। अगर आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।